सो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रवना रेनस्लेयर जो कि लोकी सीजन 1 में गायब हो गई थी वो साल 1868 की सेक्रेट टाइमलाइन में आती है क्योंकि ही रिमेंस ने मिस मिनट को कहा था कि वो रवना रेनस्लेयर को एक मिशन में ले जाए मरने से पहले। सो मिस मिनट यहाँ पर रवना को गाइड कर रही होती है एंड उसको बोलती है कि उस खिड़की से टीवी का गाइड बुक वहाँ पे ड्रॉप कर दो एंड रवना ऐसा ही करती है एंड वहाँ से वो चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि जिसके घर में ये बुक ड्रॉप किया गया था वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइंगे रहता है और ये बुक और कुछ नहीं बल्कि टीवी का गाइड बुक रहता है। इसके बाद हमें टीवी दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी बताता है कि हम कुछ भी कर ले मरने वाले हैं क्योंकि ना ही हम इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं और ना ही मिस मिनट यहाँ पर है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो कि यहाँ पर इस सिस्टम को ओवरराइड करके उसे इस डिवाइस को लगाने दे। तभी केसी बताता है कि रवना के टेम्पैड में हरकत देखने को मिला है जिसके बाद लोकी एंड मोबियस भी उसी साल मतलब 1868 में जाते हैं जहाँ पर वो विक्टर के घर के सामने से गुजर जाते हैं बट क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि असल में यहाँ हुआ क्या है तो वो कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ नहीं देखते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही पिछड़ा गांव जैसा लग रहा होता है तो यहाँ पर लोकी पूछता है कि यहाँ पे कुछ खास हुआ था क्या, जिस पर मोबियस बताता है कि यहाँ पर तो कुछ खास नहीं हुआ था और शिकागो से मुझे बस शिकागो फायर याद है जो कि 1873 में लगी थी। तो ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि 1893 में जाए जहाँ पर रवना लास्ट टाइम गई थी और इसके बाद जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये गांव जो कि कुछ साल पहले तक इतना पिछड़ा हुआ लग रहा था वहाँ पे एक वर्ल्ड फेयर सेंटर बन चुका है जिसको देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं और फिर वो लोग यहाँ पर सुराग खोजने लगते हैं कि तभी उनके पास एक बच्चा गुजरता है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। वो बताता है कि भूतिया घड़ी जिसको सुनते ही लोकी और मोबियस के कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर आकर उस बच्चे से न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं और फिर वो देखते हैं कि कैसे भूतिया घड़ी यहाँ वहाँ दिखी गई है और ये भूतिया घड़ी और कोई नहीं बल्कि मिस मिनट होती है। इसीलिए ये दोनों हर वो जगह जाते हैं जहाँ पर मिस मिनट देखी गई थी। इसी दरमियान इस मेले में उन्हें एक शॉप देखने को मिलता है जहाँ पे ओडिन थॉर और बाल्डर की मूर्ति लगी हुई होती है जिसको देखकर लोकी कहता है कि बाल्डर को तो कोई पहचानता भी नहीं है और इसी पे मोबियस कहता है कि अरे अरे उसको लोग पहचानते हैं एंड भले यहाँ पे तुम्हारी मूर्ति ना हो लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें जानता हूँ। अब किसी को याद ना हो तो बाल्डर द ब्रेव हमें एमसीयू के अंदर इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था मतलब कि उसकी मूर्ति देखने को मिली थी मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है बस इतना सिग्निफिकेंट रोल उसका नहीं रहा है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि बाल्डर द ब्रेव थॉर का भाई है। एंड तभी लोकी का ध्यान एक बोर्ड पे जाता है जहाँ पे टेम्पोरल मार्वल लिखा होता है और उस शो को ऑर्गेनाइज करने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइम ही होता है। लोकी एंड मोबियस वहाँ पे पहुँचते हैं एंड पहुँचते ही वो वहाँ पे रवना और रेनस्लेयर को देखते हैं लेकिन वो अपनी डिस्टेंस बनाए रखते हैं ताकि रवना को पता न चले। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली अपना शो ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पर वो टेम्पोरल रूम का एक प्रोटोटाइप दिखाता है जहाँ पर वो ये बता रहा होता है कि वो कैसे समय से एनर्जी बना सकता है जिससे हम समझ पाते हैं कि क्यों टेम्पोरल रूम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि उसी से टीवीए को पावर मिलती है एंड अगर वो नहीं रहा तो टीवीए खत्म हो जाएगा जिस चीज को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही बता दिया था। बस बात इतनी सी है कि मुझे ये नहीं पता था कि इस डिवाइस को टेम्पोरल रूम कहते हैं। खैर यहाँ पर लोकी विक्टर टाइमली को देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो ही रिमेंस के जैसा दिख रहा होता है एंड उसका बोलचाल भी बिल्कुल वैसे ही होता है। मोबियस ये देखकर कहता है कि तुम्हारे कहने से तो ऐसा लगता था कि वो कोई डेंजरस इंसान है बट ऐसा तो मुझे नहीं लगता जिस पर लोकी कहता है कि वो डेंजरस है। कि तभी हम देखते हैं कि विक्टर अपना शो वहाँ खत्म करता है और लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं इतना कि काफी सारे लोग उसके पास आके उसके साथ पार्टनरशिप की बात करते हैं एंड तभी यहाँ पे विक्टर बताता है कि वो पार्टनरशिप नहीं करता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद से उसको कुछ इन्वेस्टर्स भी मिलने लगते हैं और इन्वेस्टर्स को अपने पास आता देख वो वहाँ पे चेयर लगा के खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि क्यों ना इस चीज की बोली लगाई जाए और वहाँ पे बोली लगती है जहाँ पर एक आदमी इसका $1,000 देता है जो कि उस वक्त के समय के हिसाब से काफी रहता है एंड फिर वो उससे पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि रवना उसे आगे पकड़ लेती है एंड कहती है कि मुझे आपसे भविष्य को लेकर कुछ बात करनी है कि तभी वहाँ पे मोबियस एंड लोकी भी आ जाते हैं। वो लोग कुछ बोल पाते हैं कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे ठगा था जिस पर विक्टर कहता है कि वो बस एक प्रोटोटाइप था और ऐसे ही हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे विक्टर ने कई सारे लोगों को कई सारी चीजें बेची है लेकिन वो सब के सब काम नहीं करते हैं एंड इसके बाद वो आदमी विक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है जहाँ पे विक्टर उसको
फ्रिक करके एक बड़े से चरखे के अंदर घुसा देता है, मतलब की फेरिस व्हील के अंदर घुसा देता है एंड फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी मोबियस को केसी टीवी से बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी सिग्नेचर देखने को मिला है। यहाँ पर केसी मोबियस को कुछ बता पाता है कि हम देखते हैं कि वो एनर्जी सिग्नेचर और किसी की नहीं बल्कि सिल्वी की रहती है, जो कि यहाँ पर विक्टर को मारने के लिए आई है। लोकी बीच में आ जाता है एंड कहता है कि इसको मत मारो, हमें इसकी जरूरत है। और सिल्वी कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर इसके वेरिएंट मेरे सामने आएंगे तो क्या करूंगी, मैं उसको मारूंगी, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। लोकी यहाँ पे समझाता है कि इसके टेम्पोरल ऑरा का इस्तेमाल करके वो टेम्पोरल रूम को ठीक कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बचेगी, प्लस तुम जो ब्रांच टाइमलाइन में हो वो भी एग्जिस्टेंस में रहेगा, और अगर ये बंदा मर गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। सिल्वी यहाँ गुस्से में रहती है, इसीलिए वो इस बात का जवाब ना देते हुए ये कहती है कि अगर ये बंदा अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन टीवी वालों को हर जगह टांग अड़ानी है। और वो फिर वहाँ पर लोकी के सामने उस बुक को फेंक देती है, जो कि टीवी का गार्ड बुक रहता है, जिसको रेमोना ने इस एपिसोड के शुरुआत में विक्टर को बचपन में दिया था। यहाँ पर लोकी ये देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर भी वो समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें लोकी वजह सिल्वी देखने को मिलता है, जिसके बाद से ये दोनों उस फेरिस व्हील से नीचे गिर जाते हैं, और फिर रेमोना जो रहती है वो मिस मिनट को आजाद कर देती है, और जो वो भूतिया घड़ी वाली कहानी के जैसे ही वो खुद का साइज बड़ा कर लेती है और सबको डरा के वहाँ से भगा देती है। एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसके मदद से रेमोना वहाँ से विक्टर को साथ लेकर भाग जाती है। जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि विक्टर उसे कुर्सी में बैठाता है, और फिर विक्टर उसको कुर्सी में बैठाता है, जिसपे कई सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे कि वो एक बटन दबाते ही सीट को गर्म करने लगता था, और ठीक उस कुर्सी के नीचे ये रेफ्रिजरेटर था जिसमे सामान को ठंडा किया जा सकता था। अब देखने में तो ये नॉर्मल सी चीज लग रही है, बट छोटी सी चीज लग सकती है, बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे जाके एक कुर्सी बनाएगा जो कि टाइम ट्रेवल के काम आएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये उसकी बुनियादी जगह हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब विक्टर और रेमोना उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे विक्टर का एक कीमती सामान होता है, तो वहाँ पे वो डायरी दिखाता है, और डायरी में कुछ डायग्राम्स हम देख पाते हैं, और यहाँ पे एक डायग्राम रहता है वो काफी हद तक मैच खाता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में दिखाए गए इस चीज से, जो कि पावर सोर्स था उसकी कुर्सी का। हालांकि ये जो डिजाइन हमें देखने को मिलता है इसका एक मिनिएचर वर्जन हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा, बट उस पर आने से पहले बात कर लेते हैं कि इस बोट में क्या क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख पाते हैं कि रेमोना विक्टर के काफी करीब आने लगती है, और यहाँ पर वो गलती से यूज कर देती है वर्ड पार्टनरशिप, जिसको सुनते ही विक्टर थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ इसी एपिसोड के अंदर कि वो पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करता है, और इसी बात से मिस मिनट भी खुश हो जाती है, जो कि इतने समय से जल रही थी, क्योंकि यहाँ पर विक्टर मिस मिनट को भाव दे ही नहीं रहा था, वो सारा भाव रेमोना को दे रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेमोना को वो एक बोट में ड्रॉप कर देता है बीच रास्ते में, और फिर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे मिस मिनट भी यहाँ पे एक सिनिस्टर स्माइल देती है, क्योंकि अब ही हू रिमेंस उसका हुआ, मतलब कि ये विक्टर टाइमली उसका हुआ। फिर हम देख पाते हैं कि विक्टर टाइमली मिस मिनट को अपने लैब लेके आता है, जहाँ पर वो अपने कीमती सामान को खोजता है, और वो उसे मिल भी जाता है। फिर वहाँ पे मिस मिनट पूछती है कि क्या अभी तक तुमने मेरा बेस मॉडल बनाया है या फिर मुझे बनाने के बारे में सोचा है, जिस पर विक्टर कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। इसके बाद यहाँ पे मिस मिनट बताती है कि उसको जब शुरुआत में बनाया गया था तो बस वो एक चेस खेलने वाली एक एआई थी, जो कि उसके साथ सिर्फ चेस खेलती थी और बात करती थी, लेकिन इसके बाद से ही यूरिनेस ने उसे परमिशन दे दिया खुद के कोड्स लिखने की, और खुद के कोड्स लिखने के बाद से वो इतनी एडवांस हो गई। इसके बाद से वो सालों तक उसके साथ रही, मल्टीवर्स वॉर हर एक चीज में वही एक लौती थी जो उसके साथ रही थी, लेकिन उसे एक बात जो आज तक समझ में नहीं आई, और वो ये है कि विक्टर ने या फिर ही यूरिनेस ने कभी भी उसको एक ह्यूमन बॉडी देने का क्यों नहीं सोचा। और ये सवाल जब वो पूछती है विक्टर को, तो विक्टर यहाँ पे कुछ सिनिस्टर सेंस कर लेता है, लेकिन तब भी वो शांति से जवाब देता है कि उसका इसके बारे में आइडिया नहीं है, और वो टेम्पैड निकाल के उस पर प्रेस कर देता है, और तभी मिस मिनट उस टेम्पैड के अंदर चली जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे रेमोना आती है, जिसके पास एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है वो प्रून करने वाले स्टिक का, और फिर उसको वो दिखा के कहती है कि अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ। कि तभी वहाँ पे लोकी एंड मोबियस भी आ जाता है, और वो दोनों कहते हैं कि हमें इसे ले जाने दो वरना टाइम लूम
खत्म हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन रवुना यहाँ जिद पे अड़ी रहती है कि तभी वहाँ पे अटैक आता है ग्रीन वेव का, जो कि असल में सिल्वी ने किया था, जिससे सब पीछे धकले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी यहाँ पर विक्टर टाइमली को मारने वाली होती है। और यहाँ पर जैसे उसको मारने वाली होती है, विक्टर कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको तुम मारना चाहती हो। इस पर सिल्वी कहती है कि तुम्हें कैसे पता? जिस पर विक्टर कहता है कि क्योंकि मैं वो इंसान अभी तक बना नहीं हूँ। और इसके बाद से कुछ होता है और फिर सिल्वी यहाँ पर कहती है लोकी को कि तुम इसको लेकर जाओ। और यहाँ पर विक्टर टाइमली, मोबियस और लोकी टाइम लूप खोलते हैं और उसको टीवी ले जाते हैं। वहीं सिल्वी इस बार कन्फ्रंट करती है रवोना को और वो कहती है कि तुम्हें तो कुर्सी चाहिए ना, तुम्हें एंड ऑफ टाइम में जाना है तो मैं तुम्हें वहीं भेज देती हूँ। और वो उसको एक किक करती है और फिर रवोना पहुंच जाती है ह्यूरेमिस के कैसल में, जहाँ पर हम ह्यूरेमिस की बॉडी को देख पाते हैं जो कि डिके हो रहा होता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।